फिर उधर आगे भैया इधर उधर से घूम के फिर आ रहे भूल भुलैया में हर बार भूल तो हे गाइस गुड मॉर्निंग नमस्कार राम जय श्री कृष्ण स्वागत है आपका मेरे छोटे से नए ब्लॉग में। तो अभी देख रहा था रेडी हो चुका और अभी बज रहे हैं 5:46 सुबह के तो सोच रहा हूँ काम के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो फिलहाल अभी रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए टूर के लिए लखनऊ टूर जो कि कोचिंग को लेकर के जा रहा हूँ अपने कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स को। तो लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद ही जा करके देखेंगे बस वगैरह आ चुकी है स्टूडेंट्स को बैठाना है तो उसके बाद अपना निकल चुकेंगे। मैंने मम्मी को भी परेशान कर दिया मम्मी को भी 5 बजे उठा दिया आज और 4:30 बजे बल्कि उठी मम्मी और 4:30 बजे से मतलब खाना वगैरह बना रही हैं हमारे लिए ले जाने के लिए तो निकलते हैं बस अभी थोड़ी देर में अम्मी। चलो भाई सारा काम खत्म हो गया पूड़ी वगैरह बन गई है सब पैक हो गया लगभग हर चीज। राहुल ने आके सुबह 2-2 बजे बना दी सुबह सुबह उठ के नहीं तो जल्दी को आता 2 बजे रात को बनाने। अब निकलते हैं जल्दी से सब लोग वेट कर रहे हैं उस पार्ट पटरी के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं बस बैठाना है और निकलना है। राज आवाज नहीं आ रही बोल नहीं सकते क्या। चलो भाई चलो भाई सब लोग बैठ गए हैं बस में अब निकलते हैं जल्दी से और अभी टाइम हो रहा है 7 तो 7 बजे निकलेंगे 10 बजे तक पहुंच जाएंगे सर 10 तक आराम से। चलो भाई टूर स्टार्ट हो गया है निकल चुके हैं लखनऊ के लिए आराम से पहुंच जाए। बस आगे रही जो है और एक इसमें हम लोग इसमें हैं 2 बसें आई हैं टोटल 2 बसें। तो सब लोग पहुंच चुके हैं बड़ा इमाम बाड़ा सारे स्टूडेंट्स लाइन लगी है और सबकी पहचान ये ऑरेंज कलर की टोपी। ₹500 पर वीडियो ये 5 रुपए मान जाती है हमने माना हम लोग इमाम बाड़ा पहुंच चुके हैं ये देखो पूरा बैक साइड। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एकत्रित हैं इकट्ठा हैं यहाँ का अलग ही नजारा दिख रहा है भाई गजब। तो भाई सारे जूते उते उतार के हम निकल चुके हैं कहे की जो बाहर ली थी वो कुलदीप के पास ही है सब हमको नहीं दिख
तो अब जा रहे हैं अंदर, और अंदर जो है वीडियो बनाना मना है, तो अंदर की वीडियो तो नहीं बना सकते। ये है बड़ा इमामबाड़ा के अंदर का। इसको बनवाया है नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में। कब बना? 1784। ये इमामबाड़ा जैसे मंदिर होता है ऐसे गुरुद्वारा, ऐसे इमामबाड़ा जो मोहम्मद साहब के जो नवासे थे इमाम हसन, उनके नाम से नीचे दरबार है जो आप ताजिए देखा है। इसको बनाने में 11 साल लगे थे, और इसको बनाने वाले नवाब आसिफुद्दौला है जो ईरान से आए थे, जिनका नाम है मिर्जा अय्या खां है। जनाब हर आदमी के दो नाम होते हैं, मिर्जा अय्या खां नवाब आसिफुद्दौला का घर का नाम है, और जब बाहर निकलते तो नवाब आसिफुद्दौला है। देखिए बच्चों इसकी लंबान 330 फीट है, और ऊंचाई जो है 75 फीट ऊंचा है, और 1023 गेट है। रास्ते केवल चार हैं, तीन रास्ते गलत, एक रास्ता सही। ले जाएंगे हम, निकलेंगे आप लोग, जब आप नहीं निकलेंगे तो उसी का नाम रखा भूलभुलैया। भूलभुलैया में लखनऊ का नाम अवध है, अवध से पहले लखनपुर था जनाब। इसके अंदर देखिए बेटे उड़द की दाल है, चूना है, गोंद है, ईट का पाउडर है, पत्थर, काली मिट्टी, शहद इसमें लगा है। ये इमारत को रात में गिराते थे अमीर और दिन में गरीब बनाते थे। ये 11 साल में इमारत बनी थी, इस बीच में कहीं पर न लुआ है न लकड़ी है जनाब। ये रोशनदान दिए हवा लाइट आने के लिए, रोशनदान कहते हैं विंडो को, और खिड़कियां भी कहते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड बता दिया कानपुर वालों को। इसी के अंदर से आपको आखिरी में निकलना है। यहाँ पर एक सुरंग है जो दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, हैदराबाद की सुरंगे है, जो 1857 के गजल में सब रास्ते बंद कर दिए गए। अब आलो पतले हो, मैं आगे चल रहा हूँ। ये तो आई हाथ पकड़ के चले, खो दी है तुम लोग तो वही तीनों को यो लाग रहा है। समझ नहीं आऊंगा, तुम ना समझो, समझदार के लिए सारा काफी। अरे भैया आप तो रिकॉर्ड कर लिए। तो ये है इमामबाड़ा के ऊपर का नज़ारा, जहाँ ऊपर अभी हम आए हैं, और इधर ही भूलभुलैया है, भूलभुलैया के अंदर जाएंगे। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया सब घूम लेंगे, सबको घुमा भी देंगे। देखो ये तीन लोग दिखता डरा रही हैं, शकल दिखा देते तान्या, हाथ पकड़ के चल रही हैं तीनों डर। भूल भुलैया के अंदर डर। इमाम बाड़ा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है, सबसे ऊपर। ये देखो पूरा सीन यहाँ का। ले दिखा दें तुम लोग ऊपर से देखते हैं, ऊपर से बहुत सारे नजारे देखेंगे, ऊपर मस्त बहुत सारी चीजें। यहाँ से देखो पूरा, ये ऊपर से देखो कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये देखो पूरी क्या मस्त नज़ारे, बिल्डिंग दिख रही है पूरी इमामबाड़े की, और वहाँ पर वो देखो क्लॉक टावर भी दिख रहा है जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो। देखो क्या सीन आ रहा है मस्त।
आज आज बोले रही हो ये भैया दोबारा देखो ना बोलेगा तुम लोग अरे भाई घूम के आ रहे का वहीं पीछे फिर क्या आ रहे हो तुम लोग अरे यार फिर उधर आ गए भैया इधर उधर से घूम के फिर आ रहे भूल भुलैया में हर बार भूल के कंफ्यूज हो गए कंफ्यूज हो गए भैया चलो 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 निकलो 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 जल्दी हम लोग भूल भूल के वही जगह पर आ रहे हैं बार बार कंफ्यूजन है सब इधर उधर घूम के वहीं पर मिल रहे हैं हम लोग टाइल ले रहे भूल भुलैया क्या भूल भुलैया ना कहाँ पहुँचो तो वही पहुँच गए वही पहुँच गए हाँ वही ना देख लो अब चलो कहाँ चलो सीधा जाओ सीधा चलो कौन घुसा कौन घुसा है भैया हमें फिर वही देखा तुम लोग से पहले देखो भैया हम लोग रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ से नीचे जाना है फंस गए घूम घूम के छह बार ऊपर ही आ चुके हैं यही बार बार यही आ जा रहे भैया लखनऊ का भूल भुलैया अरे इतना ज्यादा भूल गए पता नहीं कहाँ है चलो फिर से ढूंढो आफ्टर ऑल भूल भुलैया सब बाहर आ गए घूम फिर के ये 1784 का बनाया गया है 11 साल लगे तो पूरी इमारत को बनाने में चलिए ऊपर चलिए वाला कुआं कोई भी आता था इसमें परछाई दिखती थी ठीक है उसी परछाई को देख करके तीर चला देते थे मारने के लिए हैं पानी कहाँ है बेटा पानी तो नहीं है तो कहाँ दिखेगी अभी सब सूख गया है पानी चल बेटा वापस चलो देख चुके अब लगभग घूम लिया है तो अब फोटो कर लेते हैं यहाँ पर इमामबाड़ा की फिर दूसरी जगह के लिए निकलते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम हो रहा है जल्दी से पहुँचना भी है हर जगह बहुत सारी जगह घुमानी है ना तो यहाँ सब बैठ गए अब यहाँ एक फोटो शूट होगी फोटो क्लिक कर लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं जल्दी से आगे चलो बाय बाय इमामबाड़ा वे आर एग्जिट तो भाई अब एग्जिट करते हैं इमामबाड़ा घूम लिए हैं आप चलेंगे साइंस सिटी घूमने के लिए